totally drunk. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सिंपल सा दाल फ्राई, जो कि है बिगनर्स और बैचलर्स के लिए। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हमें दाल फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप तुअर दाल, जिसे हम हरर दाल भी बोलते हैं। आप मूँग दाल या मसूर दाल भी ले सकते हो, या तो मिक्स दाल भी ले सकते हो। साथ ही साथ हम ले लेंगे पानी। यहाँ पर हम कुकर में दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड करके इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। इसे हम प्रेशर कुक होने देंगे 2 से 3 विजल आने तक। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई ले लेंगे, जिसमें हमें तड़के की तैयारी करना है। कढ़ाई में हम ऐड कर लेंगे घी। यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है। देसी घी से जो है दाल का टेस्ट बहुत ही उम्दा आता है। जैसे घी गर्म होगा, उसमें हम राई ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून। राई जैसे स्प्लिटर होने लगेगा, इसमें 2 टीस्पून जीरा ऐड कर लेंगे हम। जीरे को हमें क्रिस्पी और ब्राउन होने देना है हल्का सा। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे लहसुन और अदरक चॉप्ड। आपको जितना लहसुन और अदरक लेना है आप उतना ले सकते हो। इट डिपेंड्स, क्योंकि लहसुन की जो खुशबू है दाल फ्राई में बहुत ही अच्छी लगती है। हमें लहसुन और अदरक को हल्का सा ब्राउन करना है। ये देखिए, जैसे ब्राउन हो जाएगा इसमें हम ऐड कर लेंगे चॉप्ड ऑनियन। यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ के ऑनियन ले रहे थे, जिसे मैंने चॉप्ड कर लिया इस तरीके से। और साथ ही साथ हम ऐड कर लेंगे इसमें करी पत्ता, करी लीव्स। इसे हमें फ्राई करना है हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर मैंने 4 चॉप्ड हरी मिर्च ले लिए थे, और 1 बड़े साइज़ का टमाटर, जिसे हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। अभी हम टमाटो जो है सॉफ्ट होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसमें अब हम ऐड कर लेंगे सूखे मसाले, जो कि है नमक। आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। यहाँ पर 2 टीस्पून हल्दी पाउडर हम ऐड कर लेंगे, 2 से 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारी दाल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, हमने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, प्रेशर इसका निकल गया है, दाल अच्छे से गल चुका है। इसे हम हल्का सा बीट करेंगे। दूसरी तरफ ये जो हमारा मसाला रेडी है, अब जो दाल है हम मसाले में दाल ऐड कर लेंगे। दाल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे। ये बहुत ही थिक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो आप पानी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हम 1 कप पानी ऐड कर लेंगे इसमें, क्योंकि दाल 1 कप पानी ऐड करने के बाद भी थिक हो जाएगी। अब इसमें हम ऐड करें 2 टीस्पून सूखी कसूरी मेथी, हरा धनिया चॉप्ड हरा धनिया, और अब हम लिड कवर कर लेंगे इसका। लिड कवर करके इसे 2 से 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे, ताकि जो मसाले हैं दाल में अच्छे से हो जाए। यहाँ पर देखिए, हमारी जो दाल है ये बनकर रेडी है दाल फ्राई। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। दाल फ्राई बनकर रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। हम नॉर्मली सिंपल येलो दाल तो बनाते ही है, लेकिन दाल फ्राई की बात ही अलग है। आप इसे पराठे या स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिए, और इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज़।